हेलो दोस्तों, जो आपके लास्ट 10 ईयर में सर्जरी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यू पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें से क्या क्या पूछा गया है वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 आपका आता है इस वीडियो में बन। बन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? क्लासिफिकेशन ऑफ बन, डिग्री बेस्ड क्लासिफिकेशन को ड्यूपी ट्रेन क्लासिफिकेशन बोलते हैं, प्रोग्नोसिस कौन सा स्कोर यूज होता है, जैक्सन जोन ऑफ बन, टाइप ऑफ बन, टाइप ऑफ बन में हॉट बन में एग्जांपल, कोल्ड बर्न के एग्जांपल, फ्रीजिंग इंजरी नॉन फ्रीजिंग इंजरी के एग्जांपल। उसके बाद आता है आपका केमिकल बर्न। केमिकल बर्न दो टाइप का, अल्कलिक एसिड। स्पेशल में हमें क्या पता होना चाहिए? एचएफ के बारे में, फॉर्मिक एसिड बर्न के बारे में, इलेक्ट्रिक बर्न के बारे में, नेल्सन बर्न एंड सस्पेक्टेड नेल्सन बर्न। इसमें जो कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है नेल्सन बर्न में, वो आता है गैमेल क्राइटेरिया। तो नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ बर्न है, वो आपका हमें क्या क्या देना होता है? फ्लूइड्स, न्यूट्रिशन, सेप्सिस को बचाने के लिए पहले हमें कैलकुलेशन ऑफ बॉडी सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। इसमें फ्लूइड में हमें कैलकुलेशन पता होना चाहिए, पार्कलैंड फार्मूला एंड ATLS मॉडिफिकेशन। न्यूट्रिशन में हमें कोरिरिस फार्मूला। सेप्सिस में हमें 3 फैक्टर उन्हें पता होना चाहिए, लेट अर्ली एंड इमीडिएट, जो हम मैनेजमेंट करेंगे। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न पता होना चाहिए, 2 हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्चर एंड मार्जोलिन अल्सर। वाउंड्स में हमें डेसिपिएट क्या होता है, क्लासिफिकेशन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में आपका इंसिजन की वजह से हो सकता है, इंसिजन की जगह हो सकता है और ऑर्गन में भी हो सकता है। प्रेशर सोर और बेड सोर में मोस्ट कॉमन साइट, प्रिवेंशन पता होना चाहिए हमें। ग्रेनुलेशन डिफेक्ट 2 हो सकते हैं, होते हैं किलोइड एंड हाइपरट्रोफिक स्कार। नेक्स्ट आता है हेड एंड नेक कार्सिनोमा। इसके अंदर ओरल कार्सिनोमा के अंदर हमें प्री मैलिग्नेंट लीजन, कार्सिनोमा ऑफ टंग, कार्सिनोमा ऑफ लिप, कार्सिनोमा बकल कैविटी एंड कार्सिनोमा ऑफ हार्ड पैलेट में एक तो साइट, एक आपका डेप्थ ऑफ इनविजन की क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट पता होना चाहिए हमें। सेलरी ग्लैंड में हमें बिनाइन ट्यूमर कौन से होते हैं उसका मैनेजमेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम म्यूको एपिडर्मोइड, एडिनोइड, सिस्टोइड कार्सिनोमा एंड एक्नी सेल ट्यूमर एंड सेलियोलिथियसिस में आपका कौन से होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट्स एंड ऑक्जलेट्स। मिसलेनियस में आप में क्या क्या पता होना चाहिए, कटने ट्यूमर, स्टेफने, बोन सिस्ट, हार्ड हेयर फोडेट सिंड्रोम, रेनुला, फ्लैंगिंग हर्निया। उसके बाद आता है हर्निया में डायग्नोसिस ऑफ डूम, डायग्नोसिस ऑफ पेन, मायोपेक्टिनियल ओरिफिस ऑफ फर्चूड। मैनेजमेंट हमें ओपन रिपेयर एंड लेप्रोस्कोपिक रिपेयर। बेरिएट्रिक सर्जरी में हमें रेस्ट जो आपके टाइप है रेस्ट्रेक्टिव, मालाजोक्टिव एंड बोथ पता होना चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी में ग्राफ्ट एंड फ्लैप्स के बारे में और आपका इसको बार बार रिवाइज करना है हमें जो जो ये टॉपिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे क्वेश्चन बहुत बार लगभग पूछे जाते हैं वो आपके साथ मैंने वो टॉपिक डिस्कस किए। तो थैंक यू।